की रात जब दुनिया जश्न मना रही थी, उस वक्त दिल्ली की सड़कों पर एक लड़की के साथ बर्बरता हो रही थी। ये लड़की गाड़ी के नीचे लगभग 12 किलोमीटर तक घिसटती गई और उसके बाद नग्न अवस्था में मृत पाई गई। इस घटनाक्रम के सामने आते ही पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया और तभी से इसकी जांच की जा रही है। जांच में हर रोज नए नए खुलासे हो रहे हैं। कुछ वीडियोस सामने आए हैं जो इस मामले को किसी दूसरी दिशा में ही ले गए हैं। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर ही ये पता चला कि अंजलि स्कूटी पर अकेली नहीं थी, बल्कि उसके साथ उसकी एक दोस्त भी थी। जांच को आगे बढ़ाते हुए पुलिस को एक और फुटेज मिली, जिसमें मृतक अंजलि अपनी इसी दोस्त के साथ एक होटल से बाहर निकल रही है। यहां पर मामला थोड़ा सा और पेचीदा हो गया, लिहाजा पुलिस ने सीधा अंजलि की दोस्त निधि के बयान लिए। सिर्फ पुलिस ही नहीं, निधि तमाम मीडिया चैनल्स के सामने बैठकर धड़ल्ले से अपने बयान दर्ज करा रही है। हालांकि उसके बयान पर बहुत ज्यादा यकीन कर पाना मुश्किल हो रहा है। सबसे बड़ा सवाल तो यही उठ रहा है कि जब उसकी आंखों के सामने उसकी दोस्त को रौंदा जा रहा था तो वो चिल्लाई क्यों नहीं? उसने पुलिस को कॉल क्यों नहीं किया? वो घर जाकर सो कैसे गई? वो घर गई कैसे? उसने सामने से सामने टक्कर करी हमें। लड़की गाड़ी के नीचे आ गई। लड़की नशे में थी बहुत ज्यादा। लड़की गाड़ी के नीचे आ गई। लड़की बहुत ज्यादा नशे में थी। लड़की गाड़ी के नीचे आ गई, ठीक है। लड़की की गलती है, जो लड़की इतने नशे में ड्राइविंग कर रही है। मैंने उसको मना करा कि मत कर, मत चला, मैं होश में हूँ, मेरे को चलाने दो। उसने मेरे पे विश्वास नहीं करा, उसने अपने आप पे विश्वास करा कि नहीं बहन तू घेर देगी मुझे, मैं चलाऊंगी। मैंने कहा ठीक है। फिर हम वहाँ से जा रहे थे, आगे से गाड़ी आ रही थी, ट्रेनों है, तो गाड़ी हम ले, लड़की आगे गिरी, मैं साइड में गिर गई, फिर टक्कर हो गई, वो गाड़ी के नीचे घुस गई। हाँ, लड़कों को पता था कि भाईजान उनके नीचे एक लड़की है। निधि ने मीडिया के सामने अंजलि को लेकर कहा कि वो नशे में धुत थी। खैर, अब निधि के खुलासों पर दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष स्वाति मालीवाल ने सवाल उठाए हैं। स्वाति मालीवाल ने ट्विटर पर नाराजगी जाहिर करते हुए लिखा, आज जब पुलिस ने अंजलि की दोस्त को पकड़ा तो वो टीवी पर आकर अंजलि के बारे में ऊल जलूल बकवास कर रही है। जो लड़की अपनी दोस्त को सड़क पर मरता देख उसकी मदद करने की जगह घर जाकर सो गई, उस पर कैसे विश्वास किया जा सकता है? अंजलि का कैरेक्टर असैसिनेशन शुरू हो चुका है, जनता समझदार है। मालीवाल ने आगे लिखा, अंजलि की दोस्त लाइव शो में बैठकर बता रही है कि कैसे उसके सामने लड़कों ने अंजलि को रौंदा और ये दोस्त वहां से उठकर अपने घर चली गई। ये कैसी दोस्त है? इसने लड़कों को रोका नहीं? पुलिस या अंजलि के किसी रिश्तेदार को नहीं बताया? घर में जाकर बैठ गई? इसकी भी जांच होनी जरूरी है। आपको बताते चले, अंजलि की दोस्त निधि ने ये दावा किया है कि वो नशे में स्कूटी चला रही थी। बहरहाल फिलहाल मामले की जांच चल रही है। गृह मंत्रालय ने खुद इस पूरे मामले का संज्ञान ले लिया है। अब देखना होगा जांच में क्या कुछ निकलकर सामने आता है। चलिए जाते जाते आपको पीड़ित परिवार का बयान सुनवाते हैं। साथ ही जांच को आगे बढ़ाने वाले अधिकारी ने रेप की खबरों को लेकर क्या कुछ कहा था वो भी सुन लीजिए। शुरुआत में DCW के अध्यक्ष स्वाति मालीवाल ने क्या कुछ कहा था, एक एक करके ये तीनों बयान आपको सुनवाते हैं। सर, एक्सीडेंट था तो कपड़े चार चार पहन रहा है आज के जमाने में बच्चा, चाप हो चाहे कोई हो, चार पांच कपड़े पहन रहा है, ठंड इतनी है। उसके तन पे एक कपड़ा तक नहीं था। किस तरीके का एक्सीडेंट है? जैकेट भी पहनना कि उनने इनर भी पहनना कि टी शर्ट भी डालना कि किस तरीके का एक्सीडेंट है जो चार कपड़े फट गए तन के, और पैंट वैंट जो अलग, जूते इतने मोटे मोटे पहन के गई थी ब्लैक कलर के। सुल्तानपुरी इंसिडेंट में दिल्ली पुलिस ने एक मेडिकल बोर्ड कॉन्स्टिट्यूट करा था। मेडिकल बोर्ड ने कल पोस्टमार्टम एग्जामिनेशन किया था और आज उस पोस्टमार्टम एग्जामिनेशन की प्रोविजनल रिपोर्ट हमें मिली है। प्रोविजनल रिपोर्ट के आधार पर जो डेथ है वो एंटीमार्टम इंजरीज की वजह से हुई है, जिसमें शॉक एंड हेमरेज उसका मेन कारण है। और जो ये डेथ है, ये जो ड्रैगिंग है बॉडी की, उसकी वजह से हुई है। इसके अलावा पोस्टमार्टम एग्जामिनेशन में जो बॉडी का एग्जामिनेशन होता है उसके आधार पर कोई ऐसी इंजरी नहीं है जो ये सजेस्ट करती हो कि कोई सेक्सुअल असॉल्ट हुआ है। पोस्टमार्टम की फाइनल रिपोर्ट अभी हमें मिलेगी ड्यू कोर्स में, और अभी इस केस में फर्दर इन्वेस्टिगेशन जारी है। एक लड़की स्कूटी पे जा रही थी और उस लड़की की स्कूटी को
ठोकर मारी एक गाड़ी ने जिसमें 5 लोग नशे में धुत सवार थे। लड़की को चोट लगी, लड़की गिर गई और ये गाड़ी उस लड़की को घसीटते हुए कई किलोमीटर तक लेकर गई, जिस वजह से लड़की की मौत हो गई है। लड़की का नग्न शरीर पाया गया है दिल्ली की सड़कों पर। ये बहुत ही ज्यादा डराने वाली घटना है और हमने समन्स इशू करे हैं दिल्ली पुलिस को, क्योंकि सबसे पहले तो वो ये हमें आकर एक्सप्लेन करें कि क्या हुआ और लड़की को इंसाफ कैसे दिलाया जाएगा। दूसरी बात मैं ये जानना चाहती हूँ कि न्यू ईयर्स ईव पर दिल्ली पुलिस की दिल्ली में क्या सुरक्षा व्यवस्था है कि लड़की को इतने किलोमीटर तक घसीट कर लेकर जाया जाता है और कोई चेक पोस्ट नहीं है। वो लोग दारू पी के गाड़ी चला कैसे रहे थे, उनके ऊपर कोई एक्शन नहीं हुआ।